ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बरवक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोया और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अमीन और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो करंट मार्केट की जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब सर अमीन देंगे। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप टीआरजी के बारे में बताएं कि टीआरजी की आज न्यूज आई थी मार्केट में कि टीआरजी का रेट बढ़ेगा, तो उसके पीछे क्या रीजन था? टीआरजी जो 120 के करीब जो ट्रेड हो रहा था वो मुसलसल डाउन फ्लो लग रहे थे। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न आया था कि इसकी होल्डिंग पब्लिक के अंदर आ गई है, तो इसका जो रीज़न था उसकी वजह से इनमें सेलिंग आ गई थी। अब ये कि संभल गया है, कुछ रेटों की तेज़ भी बनती है यहाँ से, जो शेयर अब रेट से डाउन आते हो उसमें कुछ रेट की तेज़ी बनती है, तो अभी टीआरजी में कुछ रेट की तेज़ी बनी है। बहरहाल ये फर्दर वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट अगर चाल अच्छी होगी, मार्केट की मूवमेंट अच्छी होगी, तेज़ी होगी तो टीआरजी भी अप जाएगी, और अगर डाउन होगी तो टीआरजी भी डाउन जाएगी। इनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी टीआरजी की नहीं है, या अपनी कोई स्टडी हो या अपना ग्राफ हो, ये मार्केट के हिसाब से चलती रहेगी। लेकिन सर ये भी तो एक इलीगल है ना कि इसके 99% शेयर्स पब्लिक के पास हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो इतना परसेंटेज के शेयर्स नहीं है, इतनी शेयर होल्डिंग नहीं है। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि जिस तरह के अगर टीआरजी के अगर होल्डिंग अपनी डायरेक्टर अपनी होल्डिंग सेल कर दी और किसी को पता नहीं चली, जब ये स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर आई जो ऑफिशियली साइट है, तो वहाँ जब ये चीज़ डिक्लेयर हुई इसके बाद पता चली कि टीआरजी के जो शेयर हैं वो सेल हो चुके हैं, तो इसके बाद कि मार्केट के अंदर डाउन फ्लो लगना शुरू हो गए। अब ये कि मार्केट कुछ संभली है, आज के दिन फ्राइडे का दिन आप देखा मार्केट ने कुछ अपने आप को संभाला है, तो आइंदा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जहाँ से डाउन फ्लो लगे थे वहाँ से मार्केट दोबारा कवर करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो टीआरजी की जो होल्डिंग है वो बिग ब्रोकर के पास है, उनके अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी है, तो इस पर ज़्यादा इतनी पेंडिंग नज़र नहीं आ रही। वक्ती तौर पे अगर आ भी गई तो ये संभलने में, मगर इसका जो रेट है 100 के अंदर बन रहा है अभी। सर अब जैसे कि 99% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर अभी रिस्की है भले इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। असल मसला ये होता है कि जब ये चीज़ डिक्लेयर होती है तो आप पीछे इसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है कि पीछे से डायरेक्टर बाय करते हो, तो ये किसी को पता नहीं है क्या होता है। जब ये एक रिपोर्ट आई थी कि डायरेक्टर इसको परचेज कर रहे हैं तो वो सेल कर रहे थे, अब जब ये कह रहे हैं कि इसने सेल कर चुके हैं तो अब हो सकता है कि ये बाय करे। अब ये तो एक बहुत बड़ी गेम है, को आम लोगों का काम नहीं है। अगर आम लोग इसमें काम करते हैं तो ना करें, दूसरी स्क्रिप्टों में काम करें, ये तो आप ना लेके कमा सकते हैं ना शॉर्ट सेल में कमा सकते हैं इसमें। सर अभी आप टेलीकार के बारे में बताएं कि रिसेंटली इसकी न्यूज़ आई थी कि इनकी जो सब्सिडियरी है सुपरनेट, तो वो उसने अवारा जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसके साथ मर्ज हुई है, तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि टेलीकार की ऑफिशियली रिपोर्ट आई थी कि टेलीकार की जो सब्सिडी कंपनी है सुपरनेट, उसने आवारा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और ये सब्सिडी कंपनी के टेलीकार की जो है इसमें आईपीओ आएगा और ये नए शेयर फ्लो करेगा और इस पर जो टेलीकार को इसमें फ़ायदा होगा। मगर टेलीकार में अगर आप सबसे बड़ी टेलीकार में इशू है कि 96% होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो इसमें आप एहतियात करें, काम करें, मगर स्टॉप लॉस लगा के काम करें, क्योंकि इन शेयरों का जो फ्लो मार्केट के अंदर होता है इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ गई तो फिर ये शेयर बिकेंगे भी नहीं, जिस तरह टीआरजी में जिस तरह हुआ, तो इसमें अगर काम करते हैं तो एहतियात के साथ काम करें और ना काम ना करें। मींस अभी जो टीआरजी और टेलीकॉम वो आईटी इंडस्ट्री से है और ये रिस्की है, और अगर इसमें अप एंड डाउन आ जाता है तो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। टीआरजी और टेलीकॉम में मसला ये कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है वो आपके असेट में काउंट नहीं होती, सबसे बड़ी भी असेट में काउंट अगर हो जाती तो आपकी एक प्रॉपर्टी होती, मगर ये असेट में काउंट नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर वगैरह बिकते ज़रूर है मगर असेट में नहीं आती। अब इनमें तो आपको इनकी गिरफ्त भी नहीं है ना इनकी कोई ऐसी कोई वर्थ है, टेबल कुर्सी गिलाती है, तो इसमें इन शेयरों में एहतियात से काम करें। सर उसके अलावा हम ये बताएं कि मंडे को 24 डेट है और उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनचेंज होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो ट्रेजरी बिल सेल किए थे
तो वो कुछ कम रेट में किए थे, जो हाई रेट से कुछ कम में किए थे, और जो ऑप्शन हुए थे। अब ये कि मॉनेटरी पॉलिसी सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्ट की जा रही है कि ना बढ़ेगी ना गिरेगी, अनचेंज रहेगी। और सर मैंने सुना है कि दो कंपनीज हैं जिनका नाम है एमटेक्स और प्रिसिजन ब्लू, जो कि पहले सस्पेंडेड थी और अभी वो नॉर्मल काउंटर में आ जाएगी, मीन आई नहीं है लेकिन आने वाली है। हाँ, दो कंपनियां हैं जो पहले डिफॉल्टर में चले गई थी, जिनका कंप्लेन इशू था, और एमटेक्स का जो ओल्ड एज बेनिफिट का जो शेयर उनका जो मसला चल रहा था, और ये तकरीबन 18 रुपये में का जो मार्केट लोड इनके ओल्ड एज बेनिफिट को दे दिया गया था, तो वो एक मतलब किस्म का फ्रॉड हो गया था कि इतनी बड़ी जो क्वांटिटी में शेयर है और जिनका वर्थ भी नहीं है, वो एक ऐसी कंपनी को दी जाए जो मतलब ओल्ड एज, मतलब जो मुल्क के ओल्ड सिटीजन होते हैं उनके लिए होती है, तो इसमें इनको डाल दिया गया था। तो इसमें इनका केस भी चला था, ये क्या नॉर्मल काउंटर में वो फिर डिफॉल्टर में गई, फिर सस्पेंड हो गई, अब ये कि वो नॉर्मल काउंटर में आ रही है, एमटेक्स भी आ रही है और क्रिश्चियन जूट भी आ रही है। ओके सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।